मुझे अपना पहले वाला कोई भी ड्रेस वेस्ट नहीं करना पड़ा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपना पहले वाला कोई भी ड्रेस वेस्ट ना करें, तो शुरू से ही छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और आप देखें कि आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और आपके ब्रेस्ट का जो साइज है वो बिल्कुल सेफ में रहेगा। ठीक है, तो बस जो बताया उसको आप लोग फॉलो करिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आज मैं आप हेडफोन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत सारी महिला की परेशानी होती है प्रेगनेंसी के बाद और बेबी फीड के बाद। क्या परेशानी होती है? वो होती है उनकी ब्रेस्ट, जो कि बेबी फीड के बाद काफ़ी उसमें बदलाव आ जाते हैं, काफ़ी वो लूज हो जाते हैं। तो उसको फिर से शेप में कैसे लाएं, कैसे पहले की तरह हम फिर से वही ड्रेस पहन पाए जो हम पहले पहनते थे बिल्कुल कंफर्टेबल होके, तो उसके लिए आपको आज मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं जो भी टिप्स आप लोगों को दूँगी वो मेरा आजमाया हुआ है, वो मैंने खुद भी आजमाया है, उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ। क्योंकि मैं भी एक बेबी की मम्मा हूँ, मेरी भी एक बेबी है और मैं भी प्रेगनेंट हुई थी, मेरी भी डिलीवरी हुई, मेरी बेबी ने भी फीड किया, तो उस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहला जो मैं आपको जो टिप्स दूँगी फीड कराते टाइम, वो दूंगी सही पोजीशन और सही ब्रा का सेलेक्टिव चुनाव। जब भी आप फीड कराते हैं तो आप गौर करिएगा कि आप बेबी को गोद में लेते हैं और इस तरह से झुक के और फिर बेबी को फीड कराते हैं, तो सबसे बड़ी गलती ये होती है। जब भी आप बेबी को फीड कराएं तो कभी भी अपने आप को इस तरह से झुकाए नहीं, ठीक है। आप बिल्कुल सही पोजिशन में रहे उसके बाद ही आप बेबी को फीड कराएं, जैसे कि आपको झुकना नहीं, आपको बिल्कुल इस तरह से होकर बेबी को फीड कराना है। सवाल ये आएगा कि इससे बेबी फीड नहीं कर पाता है, तो आपको क्या करना है वो सुनिए। जो मैंने किया था वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। आपको अपने गोद में एक तकिया ले लेना है, ठीक है। अगर एक तकिया से आपका बेबी नहीं पहुँच पाता फीड करने तक, तो आप दो तकिया लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको भी आराम मिलेगा कि आपको अपने बेबी को गोद में नहीं रखना पड़ेगा, आप तकिया आप उसको आराम से सुलाएंगे और हैंड देंगे और वो फीड करेगा, ठीक है। इससे आपको अपना जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही इस तरह से रखना है, और उसके बाद अगर आपका बेबी फीड करेगा करता है तो आप बाद में देखेंगे कि आपको ब्रेस्ट संबंधित ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप बेबी को फीड कराएं तो आपको झुकना नहीं है, आपको बिल्कुल इस तरह से बैठना है, दो गोदी में एक ही तकिया, दो तकिया, जितना तकिया आता है उतना तकिया लगाना है, उसके बाद आपको बेबी को फीड कराना है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लें, अपने ब्रेस्ट अपने स्तनों की मालिश करना डिलीवरी के बाद और जब आपका बेबी फीड करता है और फीड छोड़ने के बाद आपको अपने ब्रेस्ट की मसाज हर दिन करनी होती है, ठीक है। या तो आप कोई ऑलिव ऑयल ले लें या फिर आप आलमंड ऑयल ले लें, पर अपने ब्रेस्ट की मसाज आप हर दिन करें, भले ही आप 5 मिनट के लिए करें, 10 मिनट के लिए करें, पर मसाज आप उसमें डेली करें। क्योंकि मसाज करने से क्या होगा कि उसमें जो है रक्त संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन आपकी खिंचती है, और खींचने के से क्या होता है ना कि आपका मांस टाइट होता है, जिसके कारण कि धीरे धीरे वो अपने सही पोजिशन में आ जाता है जैसे पहले हुआ करता था। तो इस चीज़ से घबराए नहीं कि प्रेगनेंसी के बाद या बेबी फीड के बाद सेफ खराब हो जाएगा, ये तो सौभाग्य होता है, हर माँ का सौभाग्य होता है। तो सब कुछ का सोल्यूशन है, सब कुछ का निदान है, बस सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर सही डायरेक्शन पे आप चलेंगे तो किसी तरह की परेशानी आपको कभी नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। अगला टिप्स है सही खान पान। आपको अपने खान पान का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा तेल मसाले, मांस मछली नहीं खाना होता है। क्यों नहीं खाना होता है? क्योंकि वो काफ़ी हैवी फूड होते हैं, जैसे कि नॉनवेज होते हैं, तो नॉनवेज में तेल मसाले तो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ते हैं, सभी लोगों को पता है। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा हैवी खान पान ना अपनाएं, जितना उसके उतना हल्का खाना लें। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो आपका बढ़ा हुआ वेट है, वेस्ट आपका जो भी चेंज हो गया, लटक गया, तो उसमें धीरे धीरे सुधार आना स्टार्ट होगा। उसके लिए अपने खान पान का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और आप देखेंगे कि जल्द से जल्द आपका बॉडी, आपका वेस्ट फिर से शेप में आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा खुद पर मेहनत करें, ठीक है। चलिए अगला टिप्स है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ खाना चाहिए जिसमें कि विटामिन बी और विटामिन ई होता है।
जिसमें कि विटामिन बी और विटामिन ई होता है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। अब ये आपको देखना है कि विटामिन किस फ्रूट्स में है, किस सब्जी में है, किस खान पान में है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। विटामिन इस जिसमें ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको फैट वाली चीज़ें जैसे कि फुल क्रीम का दूध आता है मदर डेयरी का फुल क्रीम, वो आपको नहीं खाना है, आपको टोंड मिल्क खाना है, ठीक है। आपकी डिलीवरी के बाद वैसे ही वज़न बढ़ी रहती है, प्रेगनेंसी के बाद हर किसी की वज़न बढ़ जाती है, डिलीवरी के बाद हर किसी की वज़न बढ़ जाती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप ज़्यादा तेल घी डेयरी पदार्थ नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा वेट 70 kg हो गया था, बिलीव करोगे आप लोग, 70 kg की थी मैं। और 2016 में मेरी बेबी हुई है और अभी 2020 है। मैंने खुद पे थोड़ी थोड़ी मेहनत की और फिर से मैं अपने बॉडी को उसी शेप में ले आई जिस शेप में पहले हुआ करती थी। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करोगे आप तो आपकी बॉडी फिर से उसी तरह से हो जाएगी। आपको कोई भी कपड़ा जो है पहले वाला वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करिए। अगला टिप जो है वो है बेबी को फिट कराना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं करवाता है तो कोई उनकी मजबूरी होती होगी इसलिए नहीं करवाता होगा, नहीं तो बेबी को फिट, बेबी को माँ का दूध काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। पर ये ज़रूर कोशिश करें कि 8 महीने के बाद आप धीरे धीरे करके अपनी बेबी का फीड करना शुरुआत दें। एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि आपका बेबी फीड करना छोड़ देगा। क्योंकि 8 महीने तक ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को फीड करवाने की, क्योंकि वो कुछ खाता पीता नहीं है। पर 8 महीने के बाद जो है बच्चा को आप हल्का सा दाल का पानी दे सकते हैं, सेब को आप उबाल के हल्का सा उसको मैश करके वो दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसको कुछ खिला पिला सकते हैं। तो इसलिए जब आपका बच्चा 8 महीने का हो जाए तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आपका बच्चा धीरे धीरे फीड करना छोड़ दे। ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आगे चल के आपके बेबी के लिए भी, क्योंकि बेबी अगर 8 महीने के बाद धीरे धीरे करके नहीं छोड़ता है तो आगे चल के वो छोड़ने में काफ़ी टाइम लेता है और काफ़ी दिक्कत होती है माँ को भी और बच्चा को भी। तो थोड़ा सा कोशिश करें आप भी और बच्चा तो कोशिश करेगा ही, अगर आप कोशिश करोगे तो, ठीक है। तो ये छोटे मोटे टिप्स थे, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। आप देखिएगा कि आपका ब्रेस्ट जो है शेप में आ जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पर छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको शुरू से ही रखना होता है, जैसे कि सही पोजीशन, सही ब्रा, सही एक्सरसाइज, सही खान पान। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपको एक्सरसाइज में कुछ नहीं आता, कुछ भी आप कर लेते हैं तो ऐसी गलती मत करिए। अगर आपको एक्सरसाइज आता है तो ही आप करिए, अगर नहीं आता तो कुछ भी मत करिए। क्योंकि कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान दे रहा है बॉडी को। उल्टा पुल्टा एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, जितना आता है उतना ही करें, पर सही पोजिशन सही मुद्रा में करें, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो ये छोटे छोटे टिप्स को आप ध्यान रखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग प्लीज़ वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वीडियोज़ देख के कॉमेंट कर दिए, हाँ जी बहुत अच्छा, ऐसा मत करिएगा। एक कॉमेंट ज़रूर करिए पर एक लाइक भी करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बेल को ज़रूर बजाना है और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको घंटी ज़रूर मिले और आप मेरा वीडियोस देख सकें। तो उसके लिए घंटी बजाना पड़ता है, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए, बिल्कुल आजमाया हुआ है, कहीं सुनी बातें नहीं है। आप अगर ये छोटी छोटी बातें फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं 70 kg की थी और अभी मुझे अपना पहले वाला कोई भी ड्रेस वेस्ट नहीं करना पड़ा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपना पहले वाला कोई भी ड्रेस वेस्ट ना करें तो शुरू से ही छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और आप देखें कि आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और आपके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेफ में रहेगा, ठीक है। तो बस जो बताया उसको आप लोग फॉलो करिए, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We can sit together, it's so beautiful.